बुलडोजर लेकर के डराते थे बंगालियों के सामने और माफियाओं के सामने। नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे, बुलडोजर को देख करके इनको ऐसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। योगी को फ्लावर समझ रहे थे अखिलेश यादव, बुलडोजर के नाम पर दे रहे थे धमकी। भरे मन से बाबा ने दिया अखिलेश को फिर ऐसा जवाब, बिलबिला उठे अखिलेश। बुलडोजर क्या चलाएंगे, बुलडोजर को देख करके इनको ऐसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप जुड़ चुके हैं अपना उत्तर प्रदेश पर। बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बेहद गर्म हो चुका है। कभी सीएम योगी तो कभी अखिलेश यादव एक दूसरे पर बुलडोजर को लेकर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार सीएम योगी ने अखिलेश यादव को ऐसी यॉर्कर मारी है कि अखिलेश यादव क्लीन बोल्ड हो गए। फूलपुर के इफ्को परिसर में आयोजित रोजगार मेले में मुख्यमंत्री ने कहा, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो कभी माफियाओं और दंगाइयों के आगे नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, ये दंगाइयों और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे। सीएम योगी ने आगे कहा कि जात के नाम पर लड़ाने वाले ये वही लोग हैं जो टीपू और सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं। ये वही टीपू थे जिन्होंने माफिया के सामने नाक रगड़कर उत्तर प्रदेश की पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। सीएम योगी ने सपा सरकार में बड़े माफियागिरी और गुंडई को भी टारगेट किया और कहा कि वो समय अब लग चुका है जहां गुंडो माफियाओं को शरण दी जाती थी, अब इन गुंडो माफियाओं को प्रदेश के अंदर मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। आपको याद होगा जब विधान भवन में सीएम योगी ने कहा था कि प्रदेश के अंदर जो भी गुंडई और माफियागिरी करेगा उसको हमारी सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। और आज फिर उसी रौद्र रूप में योगी ने फिर ऐलान कर दिया कि हमने पहले भी कहा था कि माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी के सख्त शासन से न सिर्फ प्रदेशवासी खुश हैं बल्कि पूरा देश इसकी सराहना करता है। मामला देश तक ही नहीं थमता, विदेशों में भी सीएम योगी के शासन की मिसालें दी जाती हैं। बाबा के इस मुंहतोड़ जवाब ने यह साफ संदेश दे दिया है और वो प्रदेश के अंदर माफियागिरी और गुंडई करने वालों को पनपने नहीं देंगे। योगी के ऐसे स्टेटमेंट न सिर्फ राजनीतिक माहौल को गर्म कर देते हैं बल्कि अपराधियों की नींदें उड़ा देते हैं। वैसे प्रदेश के अंदर विपक्ष जिस तरीके से अपराधियों को शरण देने के लिए बुलडोजर को रोकने का प्रयास कर रहा है, जिससे बिलों में छिपे बैठे माफिया और गुंडे अपना सिर बाहर निकालने लगे थे, उसी पर योगी का ये बयान माफियाओं को फिर से बिल में जाने को मजबूर कर देगा। सांसद प्रोफेसर रीता बोपड़ा जोशी,
श्रीमती केसरी देवी पटेल महापौर यहां पर उस समय की महापौर ने और साथ साथ यहां के हमारे स्वास्थ्य मंत्री उस समय के श्री सिद्धार्थनाथ सिंह श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी इन सभी लोगों ने मिलकर के यहां के मान्य विधायकों ने सबने मिलकर के अथक परिश्रम किया और प्रणाम क्या रहा 2019 में कुंभ कैसे होता है प्रयागराज ने बता दिया कुंभ स्वच्छता सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मॉडल होता है प्रयागराज का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाता है। योगी के इस सख्त बयान पर आपके विचार क्या हैं? सीएम योगी और अखिलेश यादव की ये तीखी बहस पर आपका क्या नजरिया है? कमेंट सेक्शन में हमें सीएम योगी और अखिलेश यादव की ये तीखी बहस पर आपका क्या नजरिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।